अमाल जो अक्सर आमिल लोग बताते हैं या जिसकी वजह से आमिल लोग उल्टा लूटते हैं लोगों को और उनके अकीदे खराब करते हैं, हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह वो अमाल बताते थे, उनका भी बताना जरूरी है ताकि माँ को पता हो कि इन अमाल के करने से क्या क्या फायदा होता है। हम जहाँ जिस्मानी दवाइयों से फायदा उठाएंगे वहां कुरान के इन अमाल से भी फायदा उठाएं। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब कभी रात को निकलना हो वीराने में जंगल में, और यहाँ तो जंगल में जाने का बहुत ज्यादा रिवाज है, तो फरमाया करते थे कि शाम से पहले अगर पढ़ लिया जाए चंद मरतबा सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, तो अल्लाह ताला स्नेक बाइट से या स्कॉर्पियन की बाइट वगैरह से बंदे की हिफाजत फरमाते हैं। फिर एक अमल है कि दुश्मन का खौफ। फर्ज करो बच्चे को किसी बंदे से डर लगता है, या आप सफर में जा रही हैं और आपने एयरपोर्ट से जाना है तो कई मरतबा पुलिस का डर और इमिग्रेशन का डर, कस्टम का डर, ये या किसी हाकिम का डर, तो किसी भी बंदे का डर अगर हो तो हमारे हजरत रहमतुल्लाह फरमाते थे कि कुरान मजीद की आयत है सूरह यासीन में, वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग्शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। इसको अगर पढ़ के आयत को उस बंदे की तरफ फूंक दिया जाए, अल्लाह वाकई उस बंदे की आंखों पे पर्दे डाल देता है और वो बंदे को तकलीफ नहीं पहुंचाता। हमने अपनी जिंदगी में हजारों मरतबा इस आयत को पढ़ के आंखों से इसका फायदा देखा है। एक है बच्चे को नजर लग जाती है, इसको नजरे बद कहते हैं, ये लोगों को भी लग सकती है, और हमारा तजर्बा यह है कि सबसे ज्यादा नजर बच्चे को माँ बाप की लगती है, क्योंकि वो खुद उसको प्यार मोहब्बत से देखते हैं तो नजर तो असर करती है, अलाइनु हक्कुन। तो अब इसके लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। कुरान मजीद की एक आयत है, इन्नल्लाह सयुबतिलहू इन्नल्लाह ला युसलिहु अमलल मुफ्सिदीन। इस आयत को तीन मरतबा पढ़ के माँ खुद बच्चे को दम कर दे, रोजाना नजर का उतारा हो जाएगा और बच्चा देखें बड़ा काम डाउन हो जाएगा। अक्सर बेबीज वैसे ही प्यारे लगते हैं और अगर खूबसूरत हो तो फिर तो और ही कुछ बात होती है। तो बच्चे को रात सोते हुए या सुबह उठकर अगर ये आयत पढ़ के दो दफा तीन दफा दम कर दिया जाए तो बच्चे के ऊपर से बुरी नजर का असर खत्म हो जाता है। एक है कि पढ़ने वाले बच्चे स्कूल में अच्छा परफॉर्म करें, अच्छे नंबर लें, ग्रेड अच्छे लें, उनको जो चीजें याद करें वो याद हो जाएं। उसके लिए कुरान मजीद में अलम नशरह लक सदरक एक सूरत है, वो बच्चे को याद करवा दें अगर बच्चा इस उम्र का है, और वो बच्चा पढ़ने से पहले स्टडी करने से पहले चाहे क्लास में हो चाहे ट्यूशन में हो चाहे होमवर्क कर रहा हो, अलम नशरह लक सदरक सूरत को पढ़ के अपने सीने पे एक दफा फूंक दे। हमने देखा है कि बच्चे की याददाश्त में बहुत अमेजिंग फर्क आ जाता है। हम ये अमल आम तौर पर उन बच्चे बच्चियों को बताते हैं जो हाफिज बन रहे होते हैं, उनको मेमोराइजेशन में प्रॉब्लम होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों हुफाज पर तजर्बा किया हमने, इस आयत को पढ़ने का हमेशा फायदा होता है। अक्सर लोग परेशान होते हैं बिजनेस की वजह से, खर्चे की तंगी की वजह से, कर्ज की वजह से, तो माएं इस परेशानी में बच्चों पे तवज्जो भी नहीं दे पाती, तो उसके लिए भी एक अमल साथ सुन लीजिए। हमारे हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जब भी नमाज पढ़ें हर नमाज के बाद अव्वल आखिर एक दफा दुरूद शरीफ और दरमियान में सात मरतबा सूरत ले इला फि कुरैश, पूरी सूरत सात दफा पढ़ें, छोटी सी सूरत है, और फिर दुआ मांगें। इस अमल को करने से रिज्क की कोई भी परेशानी हो अल्लाह उस परेशानी को दूर फरमा देते हैं। ये बातें बच्चों की जिस्मानी सेहत के बारे में थी जो आज आपके गोश गुजार करनी